नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को अखिलेश ने करहल विधानसभा सीट से अपना नामांकन भरा है। नामांकन पत्र में अखिलेश यादव ने अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया। इस नामांकन में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिम्पल यादव और बच्चों समेत चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया। हलफनामे के मुताबिक उनके पास करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अखिलेश यादव के पास महज 1,79,000 और पत्नी डिम्पल यादव के पास करीब 3,32,000 रुपए नकद हैं। अखिलेश के नाम पर 7 और डिम्पल यादव के नाम पर 11 बैंक खाते हैं। उन्होंने अपनी कमाई का मुख्य जरिया कृषि और लोकहित वेतन किराया बताया है। पत्नी डिम्पल यादव की आय का स्रोत पूर्व सांसद पेंशन, किराया और खेती है। हलफनामे में अखिलेश यादव ने बताया कि उनके पास 8,43,70,645 रुपए की चल संपत्ति है, तो वही 17,22,858 रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा पूर्व सीएम की पत्नी डिम्पल यादव के पास 4,76,84,986 रुपए की चल संपत्ति है, तो वही 9,61,98,918 रुपए की अचल संपत्ति है। बेटी अदिति यादव के पास 10,39,410 रुपए की चल संपत्ति है। हलफनामे के मुताबिक अखिलेश यादव की कुल संपत्ति 40,14,94,817 रुपए है। आपको बता दें, इससे कहीं ज्यादा संपत्ति उनकी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों ने घोषित किया है। कई विधानसभाओं से उनके उम्मीदवारों ने अरबों की दौलत होने का जिक्र किया। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए हलफनामे में बताई गई संपत्ति के मुकाबले अखिलेश यादव की संपत्ति में कुल 3 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिम्पल से करीब 8.25 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जबकि अखिलेश ने पिता मुलायम सिंह यादव को करीब 2,13,00,000 रुपए का कर्ज दिया भी है। इसके अतिरिक्त अखिलेश ने 6 अन्य कंपनियों और लोगों को लाखों रुपए का उधार दिया है। करहल में नामांकन के वक्त दिए गए हलफनामे में बताया गया है कि अखिलेश यादव के खिलाफ 3 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। गौरतलब है कि आजमगढ़ से सांसद अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सोमवार यानी कि 31 जनवरी को अपना नामांकन भरा है। यहां अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।